गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम जा रहे हैं ग्रोसरीज़ को परचेज़ करने के लिए, और अभी मेरा दोस्त भी वहाँ पे मेरे को मिलेगा, तो अभी हम टुगेदर ग्रोसरीज़ को बाय करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्राइजेज़ रहते हैं। यहाँ पे प्राइजेज़ अप हो गए हैं, तो अभी मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि अभी की जो आप ग्रोसरी लोगे यूके में तो क्या प्राइजेज़ आपको पड़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आप चलते हैं आगे। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो में नए हो तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन को भी प्रेस किया हुआ है, ताकि आगे आने वाली जो मेरी वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशन में आ जाएं। तो बेसिकली मैं बनाता हूँ यूके के लाइफस्टाइल, एजुकेशनल एंड ट्रैवल ब्लॉग्स, तो आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ, 5 से 7 मिनट में मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा एंड देन आपको एक्सप्लोर करवाऊँगा कि कौन से स्टोर से मैं अपनी ग्रोसरीज लेता हूँ। तो लेट्स सी गाइस। तो मैं 2 टाइप्स के ग्रोसरी स्टोर से सामान लेता हूँ। एक इंडियन स्टोर, ऑब्वियसली हमको जाना पड़ता है वहाँ पे, और दूसरा है इंग्लिश स्टोर। तो जो इंडियन स्टोर है वहाँ पे मैं मंथली 1 ही बार जाता हूँ, और जो इंग्लिश स्टोर है वहाँ पे मंथली मेरे को 2 बार जाना पड़ता है। तो लास्ट टाइम मैं इंग्लिश स्टोर में गया था, वो पहली तारीख को गया था, 1 जनवरी 2023 को, और आज है 15 2023। तो इससे आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि हर 15 दिन बाद मेरे को जाना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा 15 दिन का जो राशन का खर्चा है इंग्लिश स्टोर से वो कितना है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंग्लिश स्टोर दिखते कैसे हैं, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे और किस प्राइजेस पे आपको मिल सकता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप यहाँ पर आप आओगे तो कितना खर्चा हो सकता है आपके 15 दिन का। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ें बाय करते हो, कौन कौन सी चीज़ें बाय करते हो, लेकिन जो मैं आपको चीज़ें बताऊँगा आई होप कि इससे आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंग्लिश स्टोर के बाहर, जिसका नाम है एल्डी स्टोर, और मेरे साथ मेरा दोस्त वेंकटेश, जो कि प्रोडक्ट्स बाय करने में मेरी हेल्प करेगा। और हम देखेंगे कि मेरा जो राशन है, जो मेरा ग्रोसरी का खर्चा है, वो 15 दिन का कितना आता है, और मैं आपको बताऊंगा कि अंदर से स्टोर कैसा लगता है। तो बिना किसी तरीके आप चेक करते हैं अंदर से रिव्यू, और बताता हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं यहाँ पे। फ्रूट से स्टार्ट करते हैं। ये देखो सारे बनाना रखे हुए हैं, और 71p का एक पैकेट है जिसमें 3-5 बनाना आएंगे। ओके, एक ये भी ले लो, हरे हैं लेकिन 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। अब लेते हैं कीवी, एक पैकेट कीवी ले लेते हैं, 1.19 का ये, और 4 कीवी आते हैं इसमें। लेमन्स 85p के 4 पीस बड़े बड़े। अब लेते हैं एप्पल्स, ये वाले एप्पल बड़ी होते हैं, 2.59 के 1.30 पर केजी। ओके, तो ये ले लेते हैं, एक 69p का एक, और एक ये डाल देते हैं। और अब चलते हैं आगे टमाटोस पे, 85p, ये देख सकते हो, 1 दिस 1 2 दिस। कोरिएंडर, एक कोरिएंडर लेते हैं, पैकेट है ये कोरिएंडर का, 52p। देखो गाइस, पटैटो 1.25 के ये पूरा पैकेट आई थिंक, ये भी हैं यहाँ पे रखे हुए, ये 1.59 के हैं। और जो आगे हैं बेक्ड वाले लेता हूँ मैं मोस्टली, 1.39 के हैं जो। तो ये पैकेट पूरा जो है पैकेजिंग में मिलेगा सामान, और ये 1.39 का। अब फॉरवर्ड होते हैं रेड अनियंस पे। So red onion is 85p एक पैकेट, एंड दूसरा पैकेट भी। और एक चीज़ ये भी ले लेते हैं, ग्रीन बीन्स 82p का है ग्रीन बीन्स, और एक ग्रीन बीन्स भी ले लेते हैं। इतने पैकेट में आपको 82p का मिल जाएगा, और 85p का है कितना, हाँ 85p का बैंगन है। और इसमें आप कोई भी साइज़ चूज़ कर सकते हो, बड़ा छोटा, ये बड़ा लग रहा है मेरे को, ये ले लेते हैं। शिमला मिर्च जिसको कहते हैं, 125, ये पड़ी हुई है घर पे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये है फ्रोज़न सेक्शन यहाँ पे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। ये देखो, जैसे ब्रेडेड प्रॉन्स हो गया, मैरिनेटेड प्रॉन्स, वाइल्ड अर्जेंटीनियन, जम्बो किंग प्रॉन्स, लार्ज प्रॉन्स, बासा फिलेट्स, और काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें आप देख सकते हो, प्राइस ये फ्रोज़न की हैं। ऐसा ही सेक्शन वहाँ पर भी है आगे, इसमें आइसक्रीम भी पड़ी हुई है। तो हाँ, ये अपना वेज का आप देख सकते हो कि एक बास्केट हमारी फुल हो चुकी है, अभी हमें आधा सामान और ख़रीदना है। तो वो है यहाँ पे वेजिटेरियन में, मैं ये लेता हूँ मोस्टली, एक ये बड़े दिनों बाद आए हैं यहाँ पे, ऐसे प्रोडक्ट ख़त्म हो गया था ये वाला, और एक ये वाला चीज़ बाइट्स, हाँ, जो कि 99p के हैं दोनों। एक चीज़ यहाँ पे मैंने देखी है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, वेज में है ये, वेज में है कहाँ है? लिखा नहीं है इस पे तो। इट इज सिमिलर लाइक चीज़ बाइट्स। हाँ यार भी गए, ओके तो ये ट्राई करते हैं डाल के कैसा लगता है। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं ट्राई ये। इस फ्रोजन सेक्शन में आपको वेजिटेरियन प्रोडक्ट मिल जाएंगे और सबसे पहले तो मैं कॉर्न्स लेना चाहूँगा, स्वीट कॉर्न एक ये, और मिक्स सब्जी नहीं ये ले लूँगा, पीस ओके। और ये दोनों जो पैकेट लिए मैंने 99p का पीस हैं और जो है स्वीट कॉर्न वो हैं 135। ये सारा आपको मिल्क सेक्शन मिल जाएगा, नीचे नॉर्मल मिल्क है लेकिन ऊपर जो है वो फ्लेवर्ड मिल जाएंगे आपको। और एक मैं मोस्टली ये लेता हूँ और ये पड़ेगा आपको £1.05 का, तो ये डाल दिया मैंने अभी यहाँ पे। ये तो बिल्कुल ही बेकार होती हैं स्मूथीज़, मेरे को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जूस मैं लेता हूँ पाइनएप्पल मोस्टली, क्रैनबेरी का भी मिल जाएगा आपको जो कि 85 के हैं बहुत। सबसे ज़्यादा फेमस ये है, जैसे इंडिया में सर्फ है वैसे यहाँ पर ये आलमाटा है ना, और ये भी मिल सकती हैं, ये कैप्सूल्स होते हैं यहाँ पे, कैप्सूल भी मिलते हैं 20 से 25 कैप्सूल आपको मिल जाएंगे 1.49 में। और ये जो आलमाट है वो कितने का है, वो है ये 3.69 का 1.85 पर केजी। स्वीट चिली 6 पैक होंगे इसमें, 82p का हुआ ये। गार्लिक स्टिक ब्रेड भी काफ़ी अच्छी होती है, ये भी ले लेता हूँ। मल्टीग्रेन क्रैकर 75p 79p, एंड ये वाला फ्लेवर लेते हैं, डालते हैं। एक ले लेते हैं ये वाला चीज स्क्विड्स जो कि हैं 75p के। और एक मैंने टोटीला रैप भी ले लिया है जो कि मेरे को 85p का पड़ा है। तो अब चलते हैं आगे, जो कि ये कुछ सामान था मैं भूल गया था ब्रेड सेक्शन में। और ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट कवर। ये सेक्शन कॉस्मेटिक्स का भी आ जाता है, लेकिन कॉस्मेटिक्स तो मैंने पहले से ले रखे हैं, तो ये आप देख सकते हो ये सारा कॉस्मेटिक का सेक्शन है। और ये देखो फेस केयर एंटी एजिंग 3.29 ईच, और फेस वॉश भी सस्ते मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे 49p का ये फेस वॉश है ये वाला। और ब्रश की बात करूँ तो ब्रश 59p के ये मिलेंगे, 2 ब्रश हाई क्वालिटी के ब्रश होते हैं ये। और आफ्टर शावर 65p का आपको बॉडी स्प्रे मिल जाएगी। एक बॉडी स्प्रे ले लेते हैं, एक ये वाली बॉडी स्प्रे लेता हूँ मैं, चॉकलेट फ्लेवर है ये। तो ये वाला आ गया अपना सारा सामान, और लास्ट में हम ये लगा लेते हैं नेक्स्ट कस्टमर के लिए, बास्केट कर ले पिकअप। और ये है जो मेरा आप देख सकते हो 15 डेज़ का ग्रोसरी है। अभी जो बिल आएगा मैं आपको बताऊंगा कितना बिल आएगा इसका। ये मिंट भी काफ़ी अच्छी होती है, 1 पाउंड की मिलती है, 60 इसमें टिपरामेंट्स होती हैं, ये भी मैं डाल रहा हूँ। ये लो भाई, अभी हम आधे पौने घंटे बाद अपना सारा ग्रोसरी का सामान लेके बाहर आ गए थे। आप देख सकते हो कि इसके हाथ में भी एक ग्रोसरी का बैग है, और जो मेरे पीछे बैग है, पीठ पीछे है, वो भी काफ़ी बड़ा बैग है और सारा फुल हो चुका है। तो अभी मैं इसको बिल बताता हूँ आपको कितना बना है। तो बिल बना है 36.91 पेंस। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ इंडियन रुपी में तो कितना बनता है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 3691। तो आप देख सकते हो कि ये तो चलो कंपेरिजन का तो चलो अलग सिनेरियो है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि 15 डेज़ का जो मेरा ग्रोसरी के प्रोडक्ट हैं वो कितनी कॉस्ट करते हैं मेरे को, और मंथली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे शुरुआत में आते हो तो आप एल्डी स्टोर और एसडा स्टोर है, लिडल स्टोर है, वहाँ पे विजिट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो सामान है वो एज़ कम्पेयर टू द सेंसबरी और मॉरिसन्स सस्ता मिलता है। तो ये था एल्डी स्टोर, जहाँ पे आपने देखा कि रेट लिस्ट कैसी है, सामान की जो रेट लिस्ट है वो बढ़ गई हुई है, हालांकि जो पिछले साल के जो रेट हैं वो कम थे एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये जो सामान जो मैंने 36.91 का लिया है वो मेरे को पिछले साल 29-28 पाउंड्स का पड़ जाता था। ये था मेरा आज की वीडियो का कंटेंट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई है यहाँ के प्रोडक्ट लिस्ट के बारे में, और यहाँ के आप रेट भी थोड़े बहुत जान चुके हो। तो मिलता हूँ ना गाइस एक और नई वीडियो में, एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए Take care, good luck and bye-bye. See you soon in the next video.